आज मैं लेकर आई हूँ एक चम्मच तेल से बनने वाला बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट या हल्का फुल्का खाने का मन हो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। चलिए मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले पैन या कढ़ाई में डालें एक चम्मच तेल, साथ में आधा छोटा चम्मच जीरा, अजवाइन एक चौथाई चम्मच, सफेद तिल आधा छोटा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक छोटा चम्मच। हल्का सा तड़कने दें। अब डालें 2 कप पानी, आधा चम्मच छोटा नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पानी गर्म होने पर डालेंगे 1 कप सूजी। इसके लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले, उसी से सूजी या पानी का मेजरमेंट करिएगा। 2 कप पानी में 1 कप सूजी डालें, इसे लगातार चलाना है। फ्लेम लो, जब ये डो जैसा हो जाए सूजी के पकने में टाइम नहीं लगता, 2 मिनट हुए हैं, फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब स्टफिंग बना लेते हैं। बाउल में मैंने ये 3 उबले हुए आलू ली हैं, इन्हें मैंने पहले से ही उबाल रखा था। इन्हें मैश कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें डालें 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और तीखेपन के लिए आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार या 1 छोटा चम्मच। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे साइड में रखें और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। सूजी का डो ठंडा हो गया है। अब इसे मैं परात में पलट रही हूँ और हाथों में थोड़ा तेल लगाकर इसे मसल कर चिकना बना लें। और अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे और हाथों में रोल करके बॉल्स बनाएं। लोई का साइज आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने इस लोई को रोटी की लोई जितना रखा है। अब हम इस लोई को बीच में से दबाते हुए कटोरी नुमा बना लेंगे और इसके बीच में ये आलू का मसाला भरेंगे और सभी तरफ से उठाते हुए फोल्ड कर लें और आलू मसाले को इसके बीच में पैक कर देंगे। बहुत आसान है बनाना। इस तरह सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें स्टीम करने के लिए मैंने थाली ली है। इसे ऑयल से ग्रीस कर लें या बटर पेपर यूज करें ताकि स्टीम होने पर ये चिपके नहीं। एक एक करके इस नाश्ते को इस थाली में रख दें। इस नाश्ते को स्टीम करने के लिए बड़े पैन में मैंने 2 गिलास पानी गर्म कर लिया है। इस थाली को इस पैन में रखें, कवर कर दें और इसे 6 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे फ्लेम मीडियम। सूजी पकी हुई है, ये बहुत जल्दी स्टीम हो जाते हैं। 6 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। ये स्टीम हो गए हैं, इनको निकाल के ठंडा कर लें। नाश्ते को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाए। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं हरी चटनी के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें तड़का लगाने के लिए पैन में डालें 1 छोटा चम्मच तेल, साथ में आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच सफेद तिल, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में करी पत्ता और हरा धनिया। हल्का सा भून लें। अब डालें सूजी आलू के बॉल्स और दोनों तरफ से उलटते पुलटते फ्राई कर लें। इस तरह ये और भी ज्यादा चटपटे हो जाते हैं। बच्चे भी पसंद से खाते हैं। इसे आप एक दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और सुबह उठ के इसे फ्राई करके ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा। ये नाश्ता बहुत कम तेल में बनता है तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और कम सामान और जल्द बन जाता है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके बताएं कि ये कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।